नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और गूगल क्रोम के कुछ बेहतरीन फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि नए फीचर्स लॉन्च हुए हैं, ऐड हुए हैं दोस्तों, उसमें बहुत ही ज़्यादा कमाल के कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं और कुछ जो प्रोसेस गूगल क्रोम ने शुरू की है, जैसा कि हम आपको यहाँ दिखा दें। दोस्तों आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद आप ये देखेंगे, ये बहुत कुछ अब यहाँ पर नया नया चेंज हो गया है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, बुकमार्क्स के ऑप्शंस जो हैं, एक्सटेंशंस के ऑप्शन जो है, ये डाउनलोड विंडो नीचे भी आप देखें, मोर में भी अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मोर टूल्स पर आने के बाद मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो है, यहाँ पर एक टास्क मैनेजर का ऑप्शन है, ये इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये टास्क मैनेजर आ गया है और इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दिखा रहा है मेमोरी फुटप्रिंट, कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, सीपीयू किस तरीके से काम कर रहा है, क्या प्रोसेसिंग की आईडी है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई एप्लीकेशन ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल कर रही है, सीपीयू का इस्तेमाल कर रही है, तो जो है आप उसको यहाँ से आसानी के साथ बंद कर सकते हैं। देखिए हमने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन है, ये ब्राउज़र ओपन है और इस तरीके से ये आप देखिए, ये जो अलग अलग यूटिलिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं। अगर आप किसी को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर टैप करने के बाद जो है आप एंड प्रोसेस कर सकते हैं और यहाँ से आपका गूगल क्रोम आसानी से मैनेज हो सकता है। ये सेम उस तरीके से ही काम करता है जिस तरीके से आपका टास्क मैनेजर जो है विंडोज़ का काम करता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा फीचर है। इसी तरीके से मैं आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो कि ऐड हुआ है। जैसे कि आप देखिए सेव एंड शेयर पर जाएंगे, आप इस पेज को सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव करना चाहें, इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल पेज एस ऐप, इस जो है पेज को ऐप की तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं लिंक को। इसी के साथ साथ ये जो देख रहे हैं आप, सेंड योर डिवाइस, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये आपका जो फ़ोन है यहाँ पर ये सेंड कर दिया जाता है। चूज अ डिवाइस देन टू सी द पेज, आप क्योंकि इस पेज को मैं इतना सर्फिंग नहीं करना चाहता हूं मोबाइल में, तो मैंने डायरेक्टली यहां से इसको सेंड कर दिया है। और जैसे ही मैं सेंड करता हूं दोस्तों, तो मुझे यहां पर मोबाइल में मैसेज आता है और मैं जो है उसको यहां पर आसानी के साथ देख सकता हूं इस पेज को। अब दोस्तों आप जो नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, यहां पर जब हम सेव पर गए थे, मैं इस पर्टिकुलर पेज को किसी को भेजना चाहता हूं, उसका क्यूआर कोड बनाना चाहता हूं। बहुत ही आसान है क्यूआर कोड बनाना, देखिए ये मैंने जनरेट कर दिया है, ये technologywithvivek.com जो हमारी वेबसाइट है उसका क्यूआर कोड बन गया है। इसको कॉपी कीजिए, डाउनलोड कीजिए, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर कर सकते हैं और ये बहुत आसानी के साथ किसी भी पेज का आसानी से एक क्यूआर कोड बना देगा और इसको आप आगे जो है किसी को भी आसानी से शेयर कर पाएंगे। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं एक ट्रांसलेट का ऑप्शन आ गया है, आपकी पूरी वेबसाइट जो है ट्रांसलेट हो जाती है जिस भी आप उसमें सेक्शन में चाहते हैं। आप हिंदी में इसको करना चाहते हैं, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं इसमें दे रखी हैं, उन सभी में जो है आप इनको आसानी के साथ ट्रांसलेट कर पाएंगे। दोस्तों और भी अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान से इसको देखें। अगर आप चाहते हैं कि हमें डाउनलोड्स में जाना है और मैंने कोई पिक्चर या कोई इमेज यहाँ से डाउनलोड की थी, अब वो डाउनलोड में कहाँ है, क्रोम ने कहाँ डाउनलोड किया है, कुछ लोग यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से जाने के बाद डाउनलोड पर जाएंगे और डाउनलोड आपको जो है दिख जाएगा। दोस्तों आप जस्ट कंट्रोल प्लस जे कर दीजिए, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस जे करेंगे ये देखिए आप डाउनलोड टैब पर पहुंच गए हैं और डाउनलोड टैब पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपने क्या डाउनलोड किया और क्या डाउनलोड नहीं किया। उसके लिए एक सिंपल सी की है कंट्रोल प्लस जे। और इसी के साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पर टैब चलाना चाहता हूँ, माउस का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, ये जो टैब ओपन हो रहे हैं दोस्तों इनको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको जस्ट करना है कंट्रोल प्लस टी। ऐसा करने से देखिए ये मैं जितनी बार करता जाऊंगा ये टैब जो है ओपन होते चले जाएंगे और आपको एक नया टैब जो है दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा। एज इट इज़ अगर आप इनको बंद करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस डब्लू कर देंगे तो वो जो है वहाँ से आसानी के साथ बंद हो जाएंगे। दोस्तों इसी तरीके के नए नए फीचर्स गूगल क्रोम लेकर आता रहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। और भी ऐसे नए फीचर्स के लिए जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।